जमीन के बंटवारे के बाद कब्जा लेने के लिए दर दर भटक रहा है फौजी का परिवार। जी हां, हाथरस में परिवार के ही लोग दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। पति देश की सुरक्षा में बॉर्डर पे है तैनात, कैसे करें परिवार की मदद। पत्नी न्याय पाने के लिए पुलिस के लगा रही है चक्कर। पत्नी ने मीडिया के जरिए प्रशासन से लगाई है न्याय की गुहार। कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गाँव तामसी का है ये पूरा मामला। क्या नाम है आपका? सर कृष्णा देवी नाम है मेरा। क्या ये पूरा मामला हुआ है? सर मेरे हस्बैंड CRPF में जॉब करते हैं और जो मेरे जेठ हैं वो मुझे खेत देना नहीं चाहते हैं। इस वजह से राजस्व विभाग से हमने बंटवारा डाला था और जिसके थ्रू हमारा बंटवारा भी हुआ था। और बंटवारा होने के बाद में अब हमने मुंडियाँ वगैरह गाड़ी थी। एसडीएम मैडम भी आई थी और सब लेखपाल कानून को सब लोग आए थे। वीडियो मैडम भी आई थी तो सबके साथ सामने ये सब वहाँ पे मुंडिया गाड़ के और ये सब काम कराया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी कि ये राजस्व विभाग से हुआ है, उन लोगों ने पत्थरों को उखाड़ के फेंक दिया। और जब हम मौके पे पहुँचे तो वहाँ जाके देखा कि सब कुछ टूटा हुआ पड़ा है, तो हमने पुलिस को कंप्लेन करी। लेकिन पुलिस वालों ने मेरे को दोपहर के 12 बजे से शाम को 9 बजे तक बिठा के रखा। बोला कि अभी FIR लिखेंगे, लेकिन कोई FIR नहीं लिखी गई। फिर मेरे को बोला कि रात में 9 बजे मेरे को बोला कि अब आप जाइए। तो सर बताइए रात को 9 बजे मैं कहाँ जाऊँगी। फिर मेरे को बोले कि आप सुबह 10 बजे आना। तो मैं सुबह 10 बजे फिर पहुँच गई। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बज गए सर, लेकिन किसी ने ना ही तो FIR लिखी ना ही कुछ लिखा। और उल्टा मेरे को बोलते रहे कि आप राजीनामा कर लो। सर पहले भी इनके खिलाफ़ किया था, लेकिन उसमें भी इन्होंने राजीनामा करवा दिया था। घर के बड़े बुज़ुर्ग बोले तो हमने कर लिया था, लेकिन सर इन्होंने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। तो हम कब से सहेंगे सर? मैं पहले गांव में रहा करती थी तो वहाँ से मेरे को मारने की और उसकी धमकी दिया करते थे, और इन लोगों ने सास को भी घर से निकाल दिया। धमकी कौन लोग देते हैं आपको? सर जेठ हैं हमारे, विजय कुमार उर्फ BKS और प्रेम कुमार उर्फ PKS, दो जेठ हैं हमारे। और क्या कहते हैं? सर कहते हैं कि हम तेरे को किसी दिन मार देंगे, अगर तू यहाँ खेत पे आएगी तो तेरे को मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे। सर उनका मेरे को भरोसा नहीं है और मैं सादाबाद में अकेली रहती हूँ उनके डर की वजह से, अपनी सास के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। और मैं चाहती हूँ कि सर मेरे को न्याय मिले, बस इसलिए मैं आपके पास आई। और वहाँ के जो मनोज कुमार सर हैं उनसे मेरी बात भी हुई थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी सर। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए